अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिन मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर मैं आपको 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस से 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहली वाली एक्सरसाइज में हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए हैं वहाँ पर हमने कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है और कहीं पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। अगर पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ग्राफिकली वर्ड लिखा हुआ है तो ये कंपलसरी है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ की हेल्प से ही सॉल्व करके आंसर बताना है। अगर आप कोई दूसरा मेथड लोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जब दो इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट क्वेश्चन में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो दो इक्वेशंस है इनके लिए, हर इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाना ज़रूरी है और इस इक्वेशन के लिए ये टेबल। ये जब टेबल हम फिल कर लेते हैं, टेबल बनाएंगे तो इसकी हेल्प से ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टेबल बनाने का तरीका हम इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर है पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये जो x की वैल्यूज़ है ये हमको खुद लेनी है। हम कुछ भी ले सकते हैं, 1, 0, 1। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि एक पॉजिटिव हो, एक ज़ीरो हो, एक नेगेटिव हो, ताकि ग्राफ पेज पर लाइन बनाने में हमको आसानी हो। ये जो x की वैल्यूज़ है इसके लिए हम अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से लेंगे। अब हम यहाँ पर हमने लिया है 1, 0, -2। इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यूज़ मिलेंगी। यहाँ पर अभी x 1 है तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 6, y हो जाएगा 6 प्लस का यहाँ पर -1 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू मिला हमें 5। ये 5 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1, 5। इसी तरह से हमने x के लिए यहाँ पे 0 लिया है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 6, y मिल जाएगा हमको 6। इस 6 को हम यहाँ पर रखेंगे तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0, 6। नेक्स्ट है यहाँ पर x के लिए हमने लिया है -2 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 पहले इक्वेशन लिखेंगे, x की प्लेस पर आएगा -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पर होगा y 6 -2, वहाँ पर जाके +2 हो जाएगा तो y की वैल्यू मिलती है हमको यहाँ पर 8। ये हो गया यहाँ पर 8, इस तरह से यहाँ पर आएगा -2, 8। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन का भी पहले हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हमने वैल्यू ली है x की -1, 0, 1। ये हम कुछ भी ले सकते हैं, इसके अलावा भी कोई दूसरे ले सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। x की प्लेस पर 1 रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 1 वहाँ जाके हो जाएगा +1 तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी -5। ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5, कोऑर्डिनेट होगा -1, -5। इसी तरह से यहाँ पर हमने लिया है x 0, तो यहाँ पर x की प्लेस पर हम लिखेंगे 0 तो -y इज इक्वल टू 4, तो y हो जाएगा जो माइनस है वो यहाँ पर लगेगा -4, तो यहाँ पर होगा -4 तो 0, -4। अब यहाँ पर है थर्ड, इसमें x की वैल्यू 1 है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पहले इक्वेशन, x की प्लेस पे 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये उस तरफ जाएगा तो -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, ये माइनस वाई है तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस, उस तरफ जाके -3। यहाँ पर लिखेंगे हम -3, 1, -3। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है, मिनिमम हमको 3 वैल्यूज़ ही लेना है जिससे हमको लाइन बनाने में, ग्राफ पेज पर लाइन बनाने में आसानी होगी। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इस इन्हीं पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट की मदद से ग्राफ बनाना बताएंगे।
ये देखिए अभी आपको ग्राफ पेज दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ज़ीरो, इसको ओरिजिन भी कहते हैं। राइट साइड में हमारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस में ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं अबव वो पॉजिटिव होते हैं और नीचे के नेगेटिव होते हैं। इसके बाद में इसके लिए स्केल होना बहुत ज़रूरी है। स्केल यहाँ पर देखिए आपको स्केल दिखाई दे रहा होगा ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये जो हमारा ग्राफ पेज रेडी हुआ है पेपर में, इस ग्राफ पेज के लिए जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस विद स्केल हाफ मार्क्स होता है, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके बाद में आपकी नोटबुक में आपने जो इक्वेशंस नोट डाउन किए हैं, पहली इक्वेशन है हमारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है 1, 5, यानी एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पे 5। ये आपको ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1, 5। नेक्स्ट उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है हमारा 0, 6, यानी एक्स एक्सिस पे 0, 6। तो एक्स एक्सिस पे ये 0 है और इसी तरह से हम ऊपर जाते हैं तो वाई एक्सिस पे 6 है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, प्लॉट करना है हमको ग्राफ पर। नेक्स्ट उसके बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा -2, 8। -2 एक्स एक्सिस पे -2 है और इसी तरह से वाई एक्सिस पे 8 है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आने के बाद हम इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला कर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन किस तरह से ड्रॉ होती, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन ड्रॉ होती है। और ये लाइन जो है हमारी पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन आ गई हमारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसके बाद में सेकेंड जो हमारा टेबल है और उसकी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जिसका फर्स्ट पॉइंट है -1, -5। ये अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स एक्सिस पर -1 और यहाँ पर है -5। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है जो हमको ग्राफ में ड्रॉ करना है ग्राफ पेज पर। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट जो है 0, -4। 0, -4 यानी एक्स एक्सिस पर हमें 0 लेना है और वाई एक्सिस के लिए नीचे आएंगे -4। तो सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड पॉइंट हो गया ये हमारा। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा 1, -3। 1, -3 मीन्स एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर -3। इस तरह से ये तीनों पॉइंट हमारे प्लॉट हो गए। तीनों पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनेगी हमारी, उस लाइन को ज्वाइन करेंगे और उसकी इक्वेशन है x-y = 4। इस तरह से ये दोनों लाइनें ड्रॉ हो जाती है और ये जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही हमारा आंसर होगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों लाइन एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 1 है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी 5, 1। और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू हमको निकालनी है बाय यूजिंग ग्राफ। तो लास्ट में हमारा आंसर आता है एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह से दो टेबल बनाकर ग्राफ बनाने पर हमको एसएससी बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी हैं, हम कर सकते हैं इजीली। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।